ट्रेन के परिचालन में निजी इकाइयों को अनुमति दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। धनबाद में भारत की जनवादी नौजवान सभा ने मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जब से भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार 2014 से सत्ता में आई है, तभी से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है। जनवादी नौजवान सभा के प्रवक्ता प्रजा पासवान ने कहा कि सरकार रेलवे को एक निजी व्यवसाय में बदलने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार इस फैसले को जल्द ही वापस ले, नहीं तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। हम लोग धनबाद जिला कमेटी की तरफ से आज भागा स्टेशन के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो रेलवे का निजीकरण करके कॉरपोरेट हाथों में रेलवे को बेचने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ आज का हम लोगों का ये प्रदर्शन है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ये मांग है कि ये जो 150 ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है, स्टेशनों का निजीकरण किया जा रहा है, जो और सेवाएं हैं उन सभी का निजीकरण किया जा रहा है, इन सभी पे रोक लगाया जाए। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था। हमें लगता है कि सरकार वर्तमान समय में अपने वादे को भूल गई है। सबरंग समाचार के लिए धनबाद से अनिल पांडे की रिपोर्ट।